देखिएगा वो जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं ये आरक्षण के आधार पर नहीं पहुंचे, अपने दम पे पहुंचे, आरक्षण उनको मिल रहा है फिर भी हम अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पर हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की आप बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई में भी अगर उन्हें आरक्षण मिल रहा है तो वो लोग आगे होने चाहिए, लेकिन आज भी आप देखिएगा आरक्षण मिलने से कोई आगे नहीं पहुंचता है, लेकिन उनको शिक्षा, शिक्षा देश और देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसमें केवल शिक्षित व्यक्ति ही परसेंटेज के हिसाब से आगे होना चाहिए, वो किसी भी बिरादरी का हो, वो किसी भी बिरादरी का हो। शिक्षा को आप रीढ़ की हड्डी मानते, जेएनयू वाले जेएनयू स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं है? थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट है, वो आगे आगे इसीलिए तो है, इसीलिए नहीं है वहाँ वहाँ सब अब क्या होता है, अभी क्या होता है आपने सुना नहीं, वहीं के टीचर हमारे साथ आए हुए हैं, 500% लाने वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं है, वहाँ भी सब नेतागिरी है। क्या किस बात की नेतागिरी है, मतलब आप एडमिशन के प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं, कौन शिक्षक कह रहे हैं, विचारधारा जन्म ले रही है। हाँ क्या जेएनयू के अंदर वामपंथी जो विचारधारा है वो राष्ट्र को तोड़ने वाली विचारधारा है। क्या देखा ऐसा, क्या देखा आप वामपंथ के आधार पर जिस तरीके से राष्ट्र का अपमान, इस भारत की भूमि पर राष्ट्र का अपमान, अगर जेएनयू प्रशासन, आप देखिएगा सरकार को विश्वविद्यालय ऐसे खड़े नहीं हो जाते, विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए कई सदियां गुजर जाती हैं, जेएनयू की धरती से राष्ट्र की सात्विक विचारधारा वाले स्टूडेंट निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थियों ने अपनी एक ऐसी विचारधारा को वहां पर पनपाने का प्रयास किया जो इस राष्ट्र, जो इस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रही है, अब वहां पर विवेकानंद का अपमान करते हैं, जिस महापुरुष ने संपूर्ण विश्व में भारत की ऋषि जान परंपरा का गौरव बढ़ाया, उस महापुरुष का अपमान जेएनयू की भूमि पर हो रहा है और ऐसे विद्यार्थी कर रहे हैं, शासन प्रशासन व्यवस्थाएं चुप क्यों है आखिर? आपको पता है कि जेएनयू एसयू का इससे कोई संबंध नहीं, उन्होंने लिखित में ये बताया कि हम इस घटना के साथी नहीं है और हम इससे पीछे कहने से देखिए कोई बात वो नहीं है, लेकिन जेएनयू से जो राष्ट्र को तोड़ने वाली विचारधारा है वो जन्म क्यों ले रही है? जेएनयू कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए, वामपंथी विचारधारा कौन सी चीज से ऐसा लगता है कि तोड़ दिया उन्होंने, क्या देशद्रोही ऐसा कौन सा काम, क्या महापुरुष का अपमान राष्ट्र को तोड़ने जैसा नहीं है? क्या हमारी ऋषि जान परंपरा ने हमें यही सिखाया है? बाबा रामदेव ने महापुरुष का अपमान किया है तो क्या उन्होंने देश को तोड़ दिया? बाबा रामदेव ने कौन सा महापुरुष का अपमान किया? बाबा रामदेव ने कोई महापुरुष, एक व्यक्ति आतंकवादी वो पेरियार बताते हैं, स्वदेशी की विचारधारा को लेकर के संपूर्ण राष्ट्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को लूटा, आज 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस राष्ट्र को गुलाम बना रही हैं, इस देश की 50,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंतरिक आर्थिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, अगर स्वामी रामदेव जी ने उन विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए हमारे राष्ट्र में विदेशी कंपनियों को दूर भगाने के लिए आंदोलन तो होते रहे, लेकिन राष्ट्र के सामने इस देश की तरफ जा रहे हैं, विचारधारा की बात नहीं, आपने रामदेव का प्रसंग उठाया, मैं आपका की बात कर रहा हूं, रामदेव का आपने प्रसंग उठाया, विचारधारा को आतंकवादी बताया जा रही है ना, कौन सी विचारधारा को रामदेव ने पेरियार, पेरियार को मानने वाले को विचारधारा, इस तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने का जो कार्य हो रहा है, स्वामी रामदेव का जो भी स्टेटमेंट होता है ठीक है वो भारत की विचारधारा से संबंधित है, वो कभी भी किसी भी राष्ट्र की विचारधारा को बांटने का कार्य नहीं करते, पहली बात, जो जो आपने कहा कि वो विचारधारा को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, देखिए आज राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि स्वदेशी के नाम पर बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां जिस तरीके से राष्ट्र को लूट रही थी उनको टक्कर दे करके अगर कोई व्यक्ति देश की शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था के लिए लड़ रहा है तो क्या राष्ट्र उस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हो सकता? रामदेव ने कौन सी शिक्षा, कौन सी स्कूल खोले हैं, बताइए, सुन भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि के पास है जिसमें 500 से ज्यादा सीनियर साइंटिस्ट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का कार्य कर रहे हैं। दूसरी सुन लिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कार्य पतंजलि विचार रहा है, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय जैसे तमाम ऐसे पतंजलि ने ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया है जो आज भारत की गुरुकुली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है सन 2007 में वैदिक एजुकेशन के पैटर्न को रिव्यू करने के नाम पर भारत के शिक्षा बोर्ड ने, यूनेस्को ने जब ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपने शब्दकोश में जगह दे दी थी उस वक्त भारत के ऋग्वेद को इस राष्ट्र से वैदिक चैप्टर को हटा दिया गया। जो उनका स्टेटमेंट था वो ठीक था? देखिए उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका स्टेटमेंट अपनी जगह सही था, सही था, मेरी बात सुनिए आप, मतलब सही था, आप ये मानते हैं कि मैं, वो जो विचारधारा वो आतंकवाद की विचारधारा है? आतंकवाद की विचारधारा क्यों है, आप इसको इतना बल, इतना बल आप देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका सिर्फ कोड स्टेटमेंट कोड कर रहा हूं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, आप तो स्टेटमेंट बताइए कि वो सही है कि गलत है। देखिए उनका स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, आप देखिए ना, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए ना कि जो पेरियार को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा जो आतंकवादी है। देखिए पेरियार की विचारधारा आप लोग क्यों तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनका, तो आप स्टेटमेंट की बात करें, मैं भी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट बाबा साहब
इस राष्ट्र के संविधान के निर्माता हैं, हजारों हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बाबा साहब को गाली देना न हमारी संस्कृति ने सिखाया है, न हमारे मजहब ने हमें सिखाया है। वो हमारे सम्मानित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, स्वामी रामदेव भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक गलत विचारधारा के साथ जोड़ करके देखते हैं। आप तो बाबा रामदेव की बात पे जाइए ना। मैं बाबा रामदेव की ही बात कर रहा हूँ, इस पर मैं निष्पक्ष तौर पर इस बात को कह रहा हूँ कि स्वामी रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप बाबा साहब के साथ जोड़ करके न देखें, ठीक है। पेरियार को मानने वाले जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट की वो बात करें, क्या मूल निवासी जो लोग हैं वो आतंकवादी विचारधारा के? देखिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर वो सही कैसे हो गया स्टेटमेंट? जाहिर सी बात है, तो वो सही कैसे हो गया स्टेटमेंट? देखिए स्वामी रामदेव की तरह मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो विषय है इसको मीडिया की तरफ से तूल देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी रामदेव ने खुद इसको लेकर के कहा है, आप उनके स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है, क्या कहा? स्वामी रामदेव ने कहा है कि बाबा साहब हमारे सम्मानित हैं, उन्होंने इस संविधान को एक नई विचारधारा दी है, उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में परोने का कार्य किया है। पेरियार को क्या बोला है? देखिए आप इस स्टेटमेंट को क्यों बार बार तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सॉरी बोलो कि हमारा टॉपिक जनता मोर्चा है, इस पे हम आगे शब्द बात कर रहे हैं। देखिए आप पैरियर की बात कर रहे हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रामदेव को आप कटघरे में ला करके जबरदस्ती खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो शिक्षा, मेरी बात सुनिए, जो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, विज्ञान व्यवस्था के लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास मत करिए। रामदेव ने जो कहा वो सही कहा, सही कहा, स्टेटमेंट गलत नहीं था। यानी कि वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, यानी कि बाबा साहब को मानने वाले लोग सही कहा, हमने सही कहा, आप गलत क्यों उसको ठहराने का प्रयास कर रहे हैं? उनकी विचारधारा सात्विक विचारधारा है, नहीं ठहराने की कोशिश। और उन्होंने उन्होंने जो कहा है संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, उन्होंने सही कहा है, वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जाहिर सी बात, मैं पेरियार वाली बात कर रहा हूँ, पेरियार का जो स्टेटमेंट, पेरियार वाली बात बिल्कुल सही कही है। आप लोग फिर तूल देने का क्यों प्रयास कर रहे हो? जो जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो आतंकवादी कॉन्सेप्ट है, आतंकवादी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप देखिए आप बरगलाने का कार्य कर रहे हो। बरगलाने इस तरीके से दोनों तरफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक हम अपने विचार, देखिए जो जो सही विचारधारा है उसकी लेकर के बात। सही विचारधारा क्या है? देखिए आप मुर्दों को क्यों बार बार उखाड़ रहे हो? आपने क्या कहा? आपने कहा कि बाबा रामदेव की जो विचारधारा है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। मैंने कब कहा भाई? गलत कोट क्यों कर रहा हूं? मैं गलत कोट नहीं कर रहा हूं। मैंने कब कहा? मैंने मूल निवासी कॉन्सेप्ट की बात की है, मैंने पेरियार के विचारधारा की बात की है, मैंने उसकी बात की है, मैंने बाबा रामदेव की विचारधारा की बात नहीं की। देखिए बाबा रामदेव ने शून्य पर खड़े व्यक्ति से लेकर के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए को लेकर के कार्य किया है। स्टेटमेंट के बारे में मैं पूछ रहा हूं उनके, उन्होंने क्या किया वो छोड़िए। उन्होंने सही कहा है, सही कहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाबा रामदेव का सामाजिक आंदोलन क्या है देश के लिए वो बताइए। बाबा रामदेव का सामाजिक आंदोलन यही है कि हम देश को विभाजित करना, देश को विभाजित करना नहीं, मूल निवासियों को विभाजित करना, हम सब एकजुट होकर के रहें। हम सिर्फ ऋषिकाएं वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं, हम सब महापुरुषों की संतानें हैं। अच्छा। और इस राष्ट्र को जाति के आधार पर बांटने का कार्य बंद कर दीजिएगा। बाबा रामदेव की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। जाति के आधार पर कौन बांट रहा है? बांट रहा है जाति के आधार पर, तो रामदेव बांट रहे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। क्यों ओबीसी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, भाई साहब ने कहा ओबीसी, बाबा रामदेव ने किसको बांटा? बाबा रामदेव ने किसी को नहीं बांटा। आप बाबा रामदेव, आप स्वदेशी का आंदोलन की बात क्यों नहीं उठाते हो? स्वदेशी को लेकर के का सामाजिक आंदोलन क्या है वो बताएं। सिर्फ बाबा रामदेव का चलाने के लिए एक कोई बिजनेस नहीं। देखिए अच्छा। राष्ट्र के हित में किया गया कार्य बिजनेस नहीं होता, राष्ट्र धर्म होता है। अच्छा। और अगर बाबा रामदेव ने तमाम लोगों को लेकर के स्वदेशी का आंदोलन होते रहे, आप बताइएगा आजादी से पहले ये काम सरकार का है या एक संत का काम है, ये बताइए। सरकार तो सरकार क्यों नहीं करती? देश के पास कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है आयुर्वेद के क्षेत्र में। आपको बताएं कि WHO भारत की किसी भी मेडिसिन को, आयुर्वेद को मेडिसिन का दर्जा नहीं देती। क्यों नहीं देती? भारत के पास क्या इतना सामर्थ्य नहीं है? सरकारों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि भारत की सरकार की बात करी, सरकार चाइना से, तो वही हम कह रहे हैं सरकार ही ला रही है। कौन ला रही है? बाबा रामदेव की थोड़ी सरकार ला रही है सर। स्वामी रामदेव स्वदेशी को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद व्यवस्था को लेकर के कार्य कर रहे हैं, वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा को कार्य करके उनके जैसे आयुर्वेदिक की बात। देखिए कोई मशीन विदेशी नहीं है, मेरी बात सुनिए, अंदर हड्डियों तक का मिलना हुआ कोई नहीं पाया। आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए। इस तरीके से झूठा आप नहीं कह सकते, मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। प्रोडक्टों को बैन कर दिया गया है स्वामी रामदेव को। देखो पतंजलि के प्रोडक्ट, पतंजलि के घी को लेकर के, टूथपेस्ट को लेकर के, जो लोग
बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों की ये बहुत बड़ी साजिश है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है, रामदेव को बर्बाद करने की ये साजिश है, पतंजलि को तोड़ने की साजिश है। रामदेव इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो गलत है, आप सीधा सवाल उठा रहे हैं। कोई गलत नहीं, आप आकर के पतंजलि में आइए ना। शिक्षा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो सरकार, शिक्षा मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के प्रोडक्टों में हड्डियां पाई गई, किस प्रोडक्ट में हड्डी पाई गई? अब इस तरीके से ये मेरा व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, लेकिन ये पूरे स्टेटमेंट है, पूरी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। शिक्षा चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में जितना कार्य आजादी के 7 दशकों में नहीं कर पाया, उतना कार्य पतंजलि ने करके दिखाया है। को आरक्षण दो लेकिन गरीबी के स्तर पे दीजिए। बाबू एक बार बतलाइए, मैं हूँ, आप मेरे छोटे भाई और आपके पास करोड़ों है, और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं भाई आपका ही हूँ। तो जाति पाति के नाम पर हम लोग नहीं, हम तो समान एक भाव चाहते हैं कि हमारा ऊंच का नीच का अगला पिछला सब मिट करके, और हम सब समानता के भाव में चाहते हैं। इसलिए मैं चाहते हैं गरीब को आरक्षण मिले, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, अगर भारत का वासी है उसको आरक्षण दो, लेकिन गरीब की स्थिति पर। आपको लगता है मोदी जी अपनी बात सुनेंगे? देखो जी, सुनना तो चाहिए, अगर वो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो वो सुनेंगे, और अगर सच्चाई का नहीं साथ देना चाहते हैं तो देखिए जी, उसका नाम तो सरकार है, वो जो चाहे जो कर सकते हैं। तो इससे पहले उन्होंने 10% आरक्षण करके इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, ये मुद्दा 10% का या 50% का नहीं है, हमारे में भी जो गरीब है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मैं दलितों में आपको बात बताता हूँ, मेरे पास में जो काफी गरीब आदमी है उनको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आरक्षण मिल रहा है जो आप कह रहे हैं SC ST OBC को जो आरक्षण है, तो फिर उनकी जो संख्या है वो जुडिशियरी में, वो प्रोफेशनलिज्म में, दूसरी जगहों पर सरकारी पदों पर क्यों नहीं दिखती ज़्यादा, क्या वजह है? देखो हमारे पास तो इस विषय के आंकड़े नहीं है, आपके पास आंकड़े होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ 50% आरक्षण नहीं आपके पास, ये आप बताइए ना, आप तो मीडिया से हैं, आपको पता होना चाहिए 50% आरक्षण सरकारी पदों पे भी दलित लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।